निजी बस और परिवहन निगम की बसों के बीच आए दिन हो रहे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर रोज कहीं ना कहीं किसी निजी बस और HRTC की बस के चालकों व परिचालकों के बीच समय सारणी को लेकर मारपीट और विवाद होते रहते हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात रिकांगपियो से हमीरपुर जा रही परिवहन निगम की बस के चालक व परिचालक की घुमारवी नामक स्थान पर कुछ स्थानीय निजी बस के चालक व परिचालकों द्वारा मारपीट की गई, जिसकी हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर ने प्रदेश महामंत्री हरीश कुमार पराशर, प्रदेश सचिव रविंद्र सिंह व समस्त पदाधिकारियों ने कड़ी निंदा की है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि परिवहन निगम की बस रिकांगपियो से हमीरपुर जा रही थी। जब बस ब्रह्मपुत्र के पास पहुंची तो बीच सड़क में एक ट्रक खराब होने की वजह से सड़क में बहुत जाम लगा हुआ था, जिसकी वजह से गाड़ी करीब वहां से 1.5 घंटा लेट हो गई। जब जाम नहीं खुला तो बस को दूसरे रास्ते से ले जाना पड़ा, जिस कारण बस लेट हो गई। उसी बस के साथ साथ पीछे एक निजी बस RTC आ रही थी, जो रामपुर से हमीरपुर चलती है। जैसे ही निगम की बस घुमारवी बस स्टैंड पर सवारियां उतारने व बस की एंट्री करने के लिए बस स्टैंड गई, तो वहां पर कुछ और अन्य निजी बस के चालक परिचालकों के साथ मिलकर RTC बस के चालक परिचालकों द्वारा परिवहन निगम की बस को रोककर समय सारणी को लेकर गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी गई, जिससे परिचालक को चोटें आई हैं और वर्दी को फाड़ दिया गया है तथा जान से मारने की धमकी दी गई है। मौके पर परिवहन मजदूर संघ के प्रदेश सचिव रविंद्र सिंह ने पीड़ितों के साथ पुलिस चौकी जाकर प्राथमिकी दर्ज करवाई है। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।